हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सेलिब्रिटी अपडेट एआरएस। सो गाइज, राखी सावंत जम के बरसी कंगना रनावत पे, एंड क्या बोली, क्या वो लॉकअप शो में आने वाली है नजर, इस पे क्या बोली, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दीजिए लाइक। मुझे बहुत बुरा लगा जब कंगना ने ये कहा कि ये तुम्हारे कोई भाई का घर नहीं है। तो बहन सुन लो मेरी बात, इतने टाइम से भाई शो चला रहे, तुम्हारे में दम है एक शो चला के दिखाओ। भाई पिछले 15 सीजन से शो चला रहे, भाई में बहुत दम है। मुझे लगता है भाई में दम है, बहन में दम नहीं है। बहन को तो मैं यही कहना चाहूँगी, बहन अपनी ज़बान पर काबू रखो। और तुम तो हमारी बॉलीवुड को बहुत गालियाँ दे रही थी, तुम वापस लौट कर आ गई, इसीलिए कहते हैं गालियाँ मत दो बॉलीवुड को, तुम्हें आखिर बॉलीवुड की ही ज़रूरत पड़ेगी। नहीं, आपको इनवाइट किया जैसा गेस्ट या तो आप जाना पसंद करेंगे, चाहेंगे कि आप जाएं वहां? जी देखिए, मैं एकता जी की फ़ैन हूँ और मैं एकता कपूर के लिए जाना चाहूँगी, ना कि कंगना रनावत के लिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंगना रनावत। मैं एकता कपूर जी मेरी आइडल है और वो जो भी शो बनाती है अच्छे शोज बनाती है, और आई फील के एकता इज़ द बेस्ट। बट अच्छी बात है, लॉकअप जैसे नए शोज आ रहे हैं और ऐसे नए शोज आने चाहिए, रियलिटी शोज बहुत सारे बनने चाहिए, और मैं रियलिटी क्वीन हूँ और एकता जी मुझे बुलाएगी तो वाई नॉट। मैं एकता जी आपके लिए ज़रूर आऊँगी, बट कंगना के लिए डेफिनेटली नॉट, क्योंकि उन्होंने हमारी बॉलीवुड को और बॉलीवुड सितारों को बहुत ज़्यादा खरी खोरी सुनाई है। वो दूसरों को पॉइंट आउट करती है, पोक करती है, दूसरों सभी सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलती है, और फिर भी उन्हें बॉलीवुड की ज़रूरत है। तो पानी में रह के मगरमच्छों से बैर नहीं रखना चाहिए। कंगना जी आप आ गई है बॉलीवुड में, अच्छी बात है, बट आप दूसरों से बैर मत रखो। बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड किसी को मत बोलिए। आपका ग्रेड क्या है आप अपने पास रखिए। थैंक यू, ओके।